संतोषी की मृत्यु नहीं हो सकती, उसका जीवन अभी भी बाकी है मॉम। मृत्यु नहीं है तो क्या है? अकाल मृत्यु तो संभव है ना, और इसे संभव बनाता है मृत्यु बाण। ये क्या है? ये तंत्र की ऐसी क्रिया है जिसे करने से किसी की भी मृत्यु हो सकती है। इंस्पेक्टर साहब, लगता है कि संतोषी यहाँ पे नहीं, मैं दूसरी तरफ देखना चाहिए। ठीक है, चलिए चलिए। धैर्य साहब, धैर्य साहब, धैर्य साहब, अब इतनी जोर से बोलो ना। चले गए लगता, तुम्हारी आवाज नहीं सुन पाए। स्वाहा 999। स्वाहा 1000। देवी संतोषी, ये असुरी माया थी जिसने आपके भक्त को हम सबके दृष्टि से ओझल करके रखा था। देवी संतोषी, अब आप आपके भक्त से संपर्क पुनर्स्थापित कर सकती हैं। जैसी आपकी आज्ञा। स्वाहा 1001। एक मिनट, एक काम करिए, आप उस तरफ देखिए, मैं इस तरफ देखता हूं। ठीक है। अदर बाबू, संतोषी, संतोषी दीदी, संतोषी दीदी, संतोषी भैया, मुझे लगता है कि संतोषी दीदी वहां पे ही थी। चलिए ना, हम फिर उसी जगह पे चलते हैं। अरे भी 5 मिनट पहले तो वहीं से आए हैं हम यहाँ पे। हाँ, पर वहाँ पे हमने एक तरफ ही देखा था, दूसरी तरफ तो देखना भूल ही गए। अच्छा ठीक है, चलो, लेकिन ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे वहाँ पे। ठीक है, संतोषी, अकावा दिखा, सुनाई दिया क्या उनको? धैर्य सर, सुन रहे हो? संतोषी दीदी, धैर्य सर, जाओ, जाओ जाकर संतोषी के प्राण ले लो। संतोषी, धैर्य से सुनिए ना, धैर्य से, इस तरफ। धैर्य से मत जाइए, धैर्य से। संतोषी, किसी तरीके से हमारी आवाज हम तक पहुंचा। देख लीजिए ना, एक बार पलट।
कितने पास होकर भी आप कितने दूर हैं हमसे। मुझे तो कोई आवाज सुनाई नहीं थी। एक मिनट। धैर्य सर। ये तो संतोषी की आवाज है। वहां से आ रही। जल्दी चल। ये तो ताला लगाओ। संतोषी, अब देखते हैं संतोषी को कौन बचाएगा। संतोषी, तेरे क्या आवाज? लगता है धैर्य आ गया। हम यहां से निकलना चाहिए। नहीं मां, मैं यहां से नहीं जाऊंगी। मैं यही बैठ संतोषी को अपने आंखों से मरते हुए देखूंगी। चलो तृष्णा उठो। चलो तृष्णा चलो। नहीं मॉम। चलो तृष्णा चलो, चलो यहां से। मेरी बात सुनो। चलो ठीक तो हो ना? कहीं कोई चोट तो नहीं लगी? तुम यहां कैसे आई? तुम यहां कैसे आई? बच गए। भैया मैं आपसे कह रही हूँ ना, संतोषी दीदी के गायब होने में उनकी ताई जी का ही हाथ है। रुद्राक्षी ने सही कहा, संतोषी को गायब करने में तुम्हारा हाथ है। कैसी बातें कर रहे हैं आप दामाद जी? हम ताई जी से ही कह रहे हैं, इसमें ताई जी का कोई हाथ नहीं। ये सब उस तृष्णा और दामिनी का किया हुआ है। इस बार भी हमारा प्लान फेल हो गया। भगनी का गोला उसे ही निशाना बनाता है जो खड़े हुए। धैर्य ने संतोषी को रास्ते से हटा दिया था, इसलिए अग्नि का गोला दीवाल पे ही भस्म हो गया। कोई बात नहीं, मैं अभी जाकर इस संतोषी की कहानी को हमेशा के लिए खत्म करके आती हूँ। तृष्णा, तृष्णा तुम्हें हो क्या गया है? संतोषी को मारोगी तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा, और अगर तुम जेल चली गई तो धैर्य को कैसे पाओगी? और वैसे भी ये जगह ठीक नहीं है। चलो हम लोग यहाँ से चलते। चलो तृष्णा, चलो।
अगर इन्होंने कुछ नहीं किया तो ये यहाँ कैसे आई है? दामाद जी, ये तो हमको भी नहीं पता कि हम यहाँ कैसे आ गए। हम सच कह रहे हैं, वो हमें कामिनी जी मिली थी, उसके बाद क्या हुआ हमें कुछ भी याद नहीं है। हम जानते हैं आप हमारी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं ना, हम कैसे बताएं? हाँ, हमने कुछ नहीं किया है। माची, संतोषी हमारी बेटी है, उसकी हम जान क्यों लेंगे भला, आप बताइए। तो आप सच कह रही, आपकी बातों से तो नहीं लग रहा कि आप सच कह रहे। धैर्य सर, वो सच ही कह रहे हैं, आपको नहीं पता। लेकिन अजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम यहाँ तुम्हारी जान लेने के लिए आए। जिसकी मृत्यु का समय नहीं हुआ है वो मर नहीं सकता। ये कौन सी जगह है? तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हारे हाथ क्यों बंधे? ठीक है, तुम कह रही हो तो मैं इन्हें माफ करो, इन्हें छोड़ रहा हूं। अभी अभी हमने धमाके की आवाज सुनी है, आप लोग ठीक तो है ना? जी इंस्पेक्टर साहब, हम सब ठीक है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ ज्यादा देर तक रुकना ठीक नहीं है, आप लोग प्लीज मेरे साथ बाहर चलिए। हाँ इंस्पेक्टर साहब, हम बाहर जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको तृष्णा और कामिनी को ना अरेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कुछ भी हुआ है ना, ये उन्होंने किया, और साथ में ताई जी को भी, क्योंकि इनका भी हाथ किडनैपिंग में। अरेस्ट कर लो इन्हें। एक मिनट, परिवार का मामला है, रुको। अब दामाद जी, हम हाथ जोड़कर बोलते हैं आपसे, हमने कुछ नहीं किया है, हम कैसे विश्वास दिलाएं? संतोषी बिटिया, समझाओ ना इन्हें। भैया, संतोषी दीदी सही कह रही है, इनकी ताई जी से ये सब करवाया गया, इसलिए छोड़ दीजिए इन्हें। रुद्राक्षी, तुम ये कह रही, पर सबसे पहले शक तो तुम्हें हुआ था इनके ऊपर। हाँ, क्योंकि मुझे उस समय इनकी हरकतें ठीक नहीं लग रही थी। हो सकता है वो तृष्णा आंटी की चाल हो। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, छोड़ दिए, प्लीज जाने दीजिए। पर वो तृष्णा और कामिनी को हम नहीं छोड़ेंगे। इंस्पेक्टर साहब, अभी चलिए और उनको ढूंढते हैं, उनको सबक सिखाना पड़ेगा, वरना वो कुछ और प्लान ना बना ले। चलिए। धैर्य सर, हमें बहुत घबराहट हो रही है, अभी वहां जाना जरूरी है क्या उनके पीछे? पहले घर चलते हैं ना। नहीं संतोषी, मैं उन दोनों से बदला लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। आप हमारी हालत देख रहे हैं अभी नहीं। हाँ दीदी, उन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया। जो भी है, लेकिन आप अभी कहीं नहीं जाएंगे, पहले हम घर जाएंगे। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए प्लीज, मैं इनको घर छोड़ के आता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ठीक है, आप जाइए, वैसे भी मुझे यहाँ जांच पड़ताल करने में थोड़ा टाइम लगेगा, मैं आपको पुलिस चौकी के पास ही मिलूंगा। जी ब्रह्मदेव, आज तो हमारी भक्त बच गई, किंतु धरती लोक पर देवी पौलमी ने जो अपने प्रतिनिधि भेजे हैं, वो अवश्य ही हमारे भक्तों को हानि पहुंचाएंगे। देवी पौलमी के कारण धरती लोक पर असुरी और काली शक्तियों के उपासक बढ़ गए हैं। देवी संतोषी, मनुष्य अपना उपासक चुनने के लिए स्वतंत्र है, वो जो कृत्य कर रहा है उसका लेखा जोखा चित्रगुप्त देवलोक में रख रहे हैं। प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों का फल उसके मृत्यु के पश्चात अवश्य मिलेगा। यदि आप जो कह रही है वो सत्य है, तो इस विषय पर हमें देव के देव महादेव से विशेष चर्चा करनी होगी, और उसी समय आपको भी देवी पौलमी के अनुचरों पर विशेष रूप से कड़ी नजर रखनी होगी। जैसी आपकी आज्ञा।
जब तक मेरे सहयोगी मामले को सुलझा नहीं लेती, हमें सबसे छुप कर रहना होगा। ये तो अच्छा हुआ कि हम अलग हो गए, पुलिस हमें ढूंढ नहीं पाएगी। लेकिन कृष्णा, हम इस वक्त घर नहीं जा सकते, क्योंकि धैर्य जरूर हमें ढूंढता हुआ वहां आएगा। इसलिए अच्छा होगा कि हम यहीं कहीं ठिकाना ढूंढ लें। अरे भाई, संतोषी की कोई खबर नहीं मिली और भगवान जाने कहाँ है हमारी बेटी। तेरे कभी फोन नहीं आया, हम फोन लगा के देखते हैं। समधी जी, कुछ खबर मिली संतोषी आगे? जी नहीं, बिल्कुल लगता आ गए। बोलो। अरे हमारी बच्ची संतोषिया, अरे बेटा, कहाँ थे तू? तू ठीक है ना? हाँ। अजी अजी जी, कहाँ हो गया तुमको? अरे कहाँ, मुंह काला करा के आए हैं? कृष्णा, कृष्णा क्या सोच रही हो? यही कि मुझे छुपने की कोई जरूरत नहीं है माँ, क्योंकि मेरी सुरक्षा मेरे पेट में। एंड आई नो व्हाट टू डू। कहाँ चली गई थी तू? पता हम कितना डर गए थे, एक फोन भी नहीं किया तूने, और ये क्या हाल बना रखा है तुम लोगों ने। दादी सारी बात बताते हैं, बस समझिए कि हम लोग मौत के मुंह से बचकर आ रहे हैं। आप लोग का आशीर्वाद था कि कुछ हुआ नहीं। अरे बेटा, आखिर संतोषी मिली कहाँ? पापा वो संतोषी को गायब करने में तुम्हारा हाथ है। कैसी बातें कर रहे हैं आप दामाद जी? ताई जी से कह रही हैं, इसमें ताई जी का कोई हाथ नहीं, ये सब उस तृष्णा और कामिनी का किया हुआ। शुक्र है संतोषी माँ का कि हमारी बच्ची सही सलामती लौट आई। संतोषी दीदी, जीजा जी, आप लोग ठीक तो है ना? ठीक है दीदी। हम पूछना चाहते थे, ये बच्ची कौन है? ये रुद्राक्षी है, इसे ही तो गोद ले रहे हैं हम लोग। अच्छा, बिल्कुल आप जैसी गुनी है दीदी। बेटा, हमने तो सोचा था कि यहाँ आकर सबके साथ खुशियां मनाएंगे, यहाँ आए तो पता चला। अरे बहन जी, जो हो गया सो हो गया, अब बच्चे वापस आ गए तो कल करेंगे ना हम दबा के धमाल करेंगे। हाँ, और नहीं तो क्या बड़े मालिक, हमने तो पहले ही तैयारियां कर ली हैं। हाँ माधुरी, आज जरा सबको बताओ जरा। भैया बताओ का, हम तो सीधा करके दिखाते हैं। अच्छा, हाँ करो करो, एक्शन तो बोलो। एक मिनट एक मिनट, वन टू थ्री एक्शन। सब यही रहती है तृष्णा और उसकी माँ। चलिए चलकर देखते हैं। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी ये? इंस्पेक्टर साहब, मैं कह रहा हूँ ये लोग सब मिले हुए हैं, आप इनसे पूछिए। एक मिनट, मुझे आप हैंडल करने दीजिए। तृष्णा और कामनी कहाँ हैं?
कृष्णा और कामनी हम नहीं जानते कहाँ, हम तो अपने यज्ञ में व्यस्त थे। इंस्पेक्टर साहब प्लीज आप ये इनकी बातों पे विश्वास मत करिए, ये सब मिले हुए हैं, आप इनसे पूछिए ये कृष्णा कामनी यहीं कहीं होंगे। आप रिलैक्स रहिए, हम पता कर लेंगे। क्या आपको पता है कि इन्वेस्टिगेशन में मिसगाइड करना कानूनन जुर्म है और इसके लिए आपको जेल भी हो सकती है। देखिए उन दोनों पर अटेम्प्ट टू मर्डर और किडनैपिंग का केस है, इसीलिए आप उन दोनों को हमारे हवाले कर दीजिए। कुछ समय पहले ही यहाँ से निकल गई, अब कहाँ गई हैं हमें नहीं पता। तो आपको नहीं पता? हाँ एक मिनट दर्जी, आप कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। आप चाहे तो तलाशी ले सकते। रुकिए, उसके लिए आपके पास सर्च वारंट भी होना चाहिए। नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे पूरा यकीन है कि आप कानून को गुमराह नहीं करेंगे। पर इंस्पेक्टर साहब ये सब मिले हुए झूठ बोल रहे हैं, आप इनका इनके बात के विश्वास मत कीजिए। आप बीच में मत बोलिए। अरे आपका काम हो चुका, आप लोग जा सकते हैं।